पहाड़ों में यही डर रहता है भाई, देख रहे हैं पत्थर गिर गया इधर पे पूरा। कहीं कहीं तो क्या बोलते हैं, रोड ही गिर गया है भाई साहब। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे जी। आप सभी जाने को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 9 बज गया और हम हो गए हैं आज लेट। और इस वक्त हम आज रुके हैं, एक छोटा सा रूम था ना, आपको मैं बताया नहीं था, ये जगह का नाम है, ये है नालगढ़। और ये नालगढ़ कहाँ पलता है? ये पलता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप सभी का स्वागत है हिमाचल प्रदेश में, एक और न्यू राज्य में। हम आगे जाके बताएंगे ये कहाँ पे, आगे आपको दिखाता हूँ हिमाचल प्रदेश है कि नहीं। तो बाकी ये जो जगह है, यहाँ रुके हैं, यहाँ एक भैया मेरे को मिल गए थे रास्ते में, वो यहाँ पे धर्मशाला है एक, ये है धर्मशाला, देख रहे हो, धर्मशाला कमेटी पंजी नालगढ़, ठीक है। और ये मेरे नाम से 200 रुपये रूम है ये छोटा सा। तो भैया यहाँ पे मेरे लिए 200 रुपये रूम में बुक कर देते थे, तो हम रात में यहाँ पे रुके थे क्योंकि रात में लेट हो गया था इस वजह से। और आज का जो राइड होने वाला है ना जी, वो है शिमला तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक जगह है, यहाँ से 78 किलोमीटर वहाँ, क्योंकि 130 किलोमीटर 30 या 40 किलोमीटर दूर है आपका शिमला। तो आज 70-78 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे जाएंगे। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आप भोले बाबा का नाम लेके, जय भोले बाबा, जय बुढ़ादेव, आप लोग ब्लॉग में बने रहे। तो जी अभी हम इस वक्त हैं नालगढ़ में, और ये नालगढ़ आपका हिमाचल प्रदेश में। तो आप सभी जाने को स्वागत है एक और न्यू राज्य में, और ये हमारा भारत भ्रमण का 13वां राज्य है, ये 13 राज्य है जो हिमाचल प्रदेश है। और ये है यहाँ का मतलब मेन चौक, इस साइड से हम आए हैं, इस साइड से भी शिमला जा सकते हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं। मैं आपको बताया था इधर से ज़्यादा घाट मिलेगा और इधर से हमें मिलेगा ज़्यादा कम घाट, तो इधर ही से चलते हैं। आप ब्लॉग में बने रहे, मैं शिमला जा रहा हूँ सर। कौन से मेन रूट से जाएंगे? हाँ, मेन रूट से ही जाऊँगा, अभी तो इधर से थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा पड़ेगी वहाँ, इधर थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगा। तो गाइस हम निकल गए हैं आगे, और यहाँ से हमें ना हरियाणा में भी थोड़ा घुसना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश। और हम जिस जगह में रुके थे ना भाई, वो धर्मशाला, बहुत मस्त धर्मशाला है भाई। अगर नालगढ़ आते हो तो मार्केट अंदर चले जाना, शिव मंदिर है, उसके बाद आप धर्मशाला पूछ लेना, वहाँ पे बढ़िया है, बढ़िया स्टे है, रूम वूम 200 रुपये में रुक सकते हो आराम से। तो जी अब जो नज़ारा देखोगे ये है देवभूमि हिमाचल का नज़ारे, इस साइड में देखोगे आप, ये सब देख रहे हो ना, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम टू हिमाचल। हमें वाला बोर्ड नहीं मिला इधर पे, वरना मैं वहीं पे दिखाता आपको वेलकम टू हिमाचल, क्योंकि हम अंदर से घुस गए हिमाचल, मेन हाईवे से घुसते ना तो मिलता, आगे मिलेगा हमें NH मेन हाईवे। तो जी अभी वक्त हो गया है 11:18, और यहाँ से अभी जो हमारा आज का लोकेशन है ना, टारगेट है, वो यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है। और इस साइड में देख रहे हैं फसल लगाए भाई धान का, और इधर पे चारों ओर ना इस साइड पहाड़ी है, गोल पहाड़ी है, इनके बीच में बढ़िया फसल लगाए, और धूप भी हो गया है भाई। तो बाकी जी आप सभी जने को गुड आफ्टरनून, 12:30 हो गए हैं, और अभी हम हरियाणा में है, कालका करके जगह है ये है, आगे से फिर हमें मेन हाईवे मिलेगा तो वहाँ से लग जाएगा फिर हिमाचल। यहाँ से लग जाता है फिर हिमाचल, यहाँ देख रहे हैं वेलकम टू हिमाचल। तो आप सभी को फिर से हिमाचल प्रदेश में स्वागत है, यहाँ लिखा है वेलकम टू हिमाचल, जिस साइड से हम आए थे ना उस साइड से नहीं लिखा था, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर ऊपर में आपको दिख रहा नहीं होगा क्लियर से, बोर्ड में लिखा है वहाँ पे।
हिमाचल प्रदेश का टोल गेट, यहाँ से इस पार स्टार्ट हो जाएगा हिमाचल। देवभूमि हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। हम साइकिल से ये 13वां राज्य में एंटर कर लिए भाई। सामने का व्यू देख रहे हैं भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा। और ये इस साइड देख रहे हो, ये है नेशनल हाईवे, हमें इस साइड से ही आना है, इधर से जाना है उधर पे। लेकिन हमें अभी ऊपर वाले साइड से जा रहे हैं भाई साहब। पूरे तरफ धुंधला ही धुंधला है भाई, खतरनाक। अभी चलते हैं ऊपर और यहाँ से 36 किलोमीटर दिखा रहे हैं। पहाड़ों में यही डर रहता है भाई, देख रहे हैं पत्थर गिर गया इधर पे, पूरा पहाड़ से ऊपर से गिरा है। यही इधर डर रहता है ऊपर से, कभी भी बारिश में ना पत्थर गिर जाता है, तो देख संभल के जाना है। बहुत रिस्क होता है ऐसे पहाड़ में ट्रेवल करना। ओ साहब ये ढलान कब आएगा पता नहीं। 5 किलोमीटर पैदल पैदल चल रहा हूँ लेकिन ढलान ही नहीं आ रहे। ओ भाई, और इस रोड में ना भाई बहुत पत्थर गिरे हैं यार, ऊपर से पहाड़ से, ऊपर से सनस्लाइड बोलते हैं ना वो, खतरनाक। ओ भाई जी, गुड इवनिंग आप सभी जने को। अभी बज गए हैं 4 और यार अभी ना शिमला तक, यहाँ से शिमला तक ना भाई खतरनाक वाला चढ़ाई है, तो बहुत डेंजर चढ़ाई है बोल रहे हैं। तो हम बैठ गए गाड़ी में और ये भैया जा रहा है शिमला, तो भैया हमें शिमला में उतारेंगे। तो जाते जाते आपको यहाँ का नज़ारे थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे और आते समय तो उधर से आएंगे, क्योंकि आते समय ढलान है और जाते समय ना पूरा खड़ी चढ़ाई है। इस वजह से मैं सोचा यार कि गाड़ी में लोड कर देते हैं और भैया भी जा रहे हैं इधर पे शिमला, भैया को भी दिखा दें आपको। तो, नारकंडा से। अच्छा ये भैया है हरियाणा रोहतक से भाई। आप क्या नाम जी आपका? सोमवीर शर्मा। अच्छा जी, भैया का नाम है सोमिन शर्मा और सोमवीर शर्मा। अच्छा अच्छा, भैया रोहतक से है जी, जहाँ पे हम रुके थे ना पवन भैया है वहाँ के हैं भैया। रोहतक वाले हमें बहुत प्यार दिए थे जब गए थे, तो फिर और भाई एक रोहतक वाले भैया और ही मिल गए, मतलब किस्मत देखो जहाँ पे गए थे वहाँ ही मिल गए। फिर अभी ऊपर दिखाते हैं कैसा सनस्लाइड हुआ है भाई, बहुत डेंजर है बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है ना तो बहुत ज़्यादा डेंजर है इधर रोड पे बोल रहे हैं, बहुत 2-3 एक्सीडेंट हो गए आगे बोल रहे हैं। तो मैं सोचा यार साइकिल में जाना तो बड़ा ट्रिक्स है, इस वजह से हम शिमला हम भैया की गाड़ी में पीछे जोड़ दिए हैं और सीधा अब आपको मिलेंगे शिमला में, लेकिन बीच में आपको नज़ारे दिखाते जाएंगे। अच्छा, तो जी देख रहे हो जमाज हम, बारिश हो रहा है भाई, और जो हम आने वाले थे सोलन सिटी ये है, लेकिन पूरा धुंधला में ना कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई साहब। इधर पे थोड़ा घर वर दिख रहा है, देख रहे हो धुंधला सा घर वर, बढ़िया। और बहुत बारिश हो रहा है भाई, सामने में ना इतना मतलब रोड बंद हो गया है ना, बीच बीच में कहीं कहीं तो क्या बोलते हैं रोड ही गिर गया है भाई साहब, इतना खतरनाक है यार। और 1000 फीट ऊपर जाने वाले हैं हम लोग, ऊपर बोलते हैं भाई, मेरा तो हालत ख़राब हो जाता चढ़ते रहे साइकिल मेरे बाबा भाई यार। और बारिश इतना तेज हो रहा है ना पूछो मत। ये है सुलन सिटी, सभी जने को। और इस वक्त हैं अभी हम शिमला में, रात में आ गए थे शिमला, और जो भैया के ट्रक था ना उसमें, और रात में हम रुके थे, ये देख रहे हो ना, ये इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय शिमला, ये विद्यालय है और उस पार है हॉस्पिटल इसी का, तो वहाँ पे रात में मैं रुक गया था जाके, क्योंकि भाई शिमला
कितना मस्त है ना वो, आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब आपको मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा कितना मस्त है। ये वाला ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। और भाई शिमला आके तो बहुत मज़ा आ रहा है आपको ना, नेक्स्ट ब्लॉग को ब्लॉग में यहाँ का व्यू और यहाँ का ये दिखाते हैं शिमला का। तो ये वाला ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और सेफ रहना। और लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।